ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप को बांध कर रखता है और पार्टनर्स को एक देता है आपस में जो रिलेशन एक दूसरे का बताता है और एक ऐसा तो हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट दैट एग्रीमेंट विच इज यूज इन मेकिंग एंड वट दैट एग्रीमेंट इज कोल्ड वी विल सी टूडे इन सेशन

ओके okay, एग्रीमेंट क्या होता है पार्टनरशिप में और क्यों एग्रीमेंट जरूरी है सो so, देखिए एक पार्टनरशिप जो होती है वो अराइज तभी होती है जब पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन होता है ओके okay? और इस रिलेशन को वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाते हैं और इस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड

बोल दिया जाता है दैट एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द एंड दैट एग्रीमेंट इज पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड डीड एक ऐसा प्रूफ है जो बिजनेस की आइडेंटिटी के साथ साथ अगर कल में कोई म्यूचुअल क्लैश हो जाता है तो उस पार्टनरशिप डीड को देखा जाता है और उससे उस क्लैश को रेफर किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि पार्टनर्स को रेस्ट्रिक्ट करती हैं तो उनको उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा अंडरस्टूड बच्चे सो पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड सॉरी दिस ड्यू टू द रिलेशन रिजल्टिंग इन द एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू द पर्सन और जो ये एग्रीमेंट होता है बच्चे दिस एग्रीमेंट इट कैन बी एक्सप्रेस मींस इट कैन बी रिटन और एज अ प्रूफ एंड इट इज आल्सो इम्प्लाइड एम्प्लाइड मींस कि एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं है हमेशा लिखित फॉर्म में ही हो रिटन फॉर्म में ही हो इट इज इम्प्लाइडली Represented also. मतलब आपको एक इम्प्लीकेशन ऐसी जाए कि हाँ ये पार्टनर्स आपस में दीज पर्सन आर पार्टनर्स इम्लाइडली एग्रीमेंट भी होता है और हम बात कर रहे हैं सेक्शन फाइव की दिस सेक्शन फाइव स्टेट दैट दट रिलेशन अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन अराइज होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है कॉन्ट्रैक्ट से बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना इट्स द सेम मीनिंग एग्रीमेंट जो हम एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रो अब कॉन्ट्रैक्ट जब हम बात कर ही रहे हैं कि पार्टनरशिप में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सो so कॉन्ट्रैक्ट की वो सारे फुलफिल होने चाहिए जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन टेन में बोला गया है सेक्शन टेन में जो भी बातें बोली गई हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होने होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं जैसे क्या फ्री कंसेंट होना मतलब कोई भी पार्टनर बिना दबाव के या बिना प्रेशर के एक पार्टनरशिप में आया हुआ हो उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है वो अपनी फ्री कंसेंट से एक पार्टनरशिप डीड में एंटर कर रहा है देन पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंसी मींस दे मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 इयर्स साउंड माइंड के होने चाहिए एंड दे मस्ट बी लीगल लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्संस ओके okay, उन पर कोई भी लॉफुली वो बैन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज सो कॉम्पिटेंसी इज दैट अब कॉम्पिटेंसी में आप कहेंगे कि मैम फिर तो माइनर नहीं आ सकता माइनर पार्टनर बन सकता है बट उसका हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे द थर्ड थिंग इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है देर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए Then there must be lawful object. Object, आपके पार्टनरशिप का लॉफुल होना चाहिए अगर अनलॉफुल आप किसी पार्टनरशिप डी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो दैट इज लाइक यू आर नॉट देन शोन एज पार्टनर आपके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी ही नहीं ओके दैट इज अनलॉफुल देन दिस नेक्स्ट इज देट या जो भी आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग दैट शुड नॉट बी डिक्लेयर एज वॉइड राइट right? तो so, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स अदर एसेंशियल्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के लाइक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जो लोग आपस में पार्टनर्स बन रहे हैं उनके बीच में एक इंटेंशन होनी चाहिए दैट वी वांट टू कम टुगेदर एंड वी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अस ओके देन दे मस्ट बी मस्ट नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेक्शन 23 ये बात कहता है कि जो आप एक्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस इमोरल नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए ओके okay? अब मैंने आपको बात बोली थी एक दैट दिस सेक्शन फाइव स्टेट्स दैट जो रिलेशन अराइज होती है दैट अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस एक स्टेटस वर्ड बोला था तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रिलेशनशिप अराइज होनी चाहिए आप दूसरे पर्सन के साथ किसी भी रिलेशन में हो बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं एग्रीमेंट के थ्रू आ रहे हैं तो वहां पर आपका रिलेशन एज अ पार्टनर ही होगा ओके okay? सो so जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दिस एग्रीमेंट जो बनता है इज द रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द पार्टीज दे कम एज पर देयर विल्स वेयर एज जो स्टेटस होता है ये स्टेटस आपका आता है योर बर्थ ओके बाय योर बर्थ आप एक स्टेटस लेकर आते हैं बट जब आप पार्टनरशिप में आते हैं तो आपके ऊपर ये नहीं होता फ्रॉम विच फैमिली यू बिलोंग मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली अब जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक स्टेटस के थ्रू एक्वायर करते हैं अपने क्या अपना मेंबरशिप एज पर हिंदू फैमिली वो मेंबरशिप अपनी बर्थ से ही लेकर आते हैं वो ये नहीं कह सकते दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस फैमिली नो इफ यू टू बर्थ इन दिस फैमिली यू ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ दिस फैमिली जस्ट बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पार्टनरशिप में नहीं आ सकते आप जितने भी मेंबर एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपके बीच में जो बिजनेस है वो जो चल रहा है जब तक आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये माना जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस ओके okay? लेकिन जब आप सारे मेंबर्स एक एग्रीमेंट अपने बीच में कर लेंगे या एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पार्टनर बनने से कोई नहीं रोक सकता आप एक उस बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप चला सकते हैं एज अ पार्टनर्स बनकर चला सकते हैं सो so, हिंदू जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है दैट इज नॉट सिमिलर टू पार्टनरशिप बच्चे वहां पर जो आप सारे लोग होते हो आप बेशक मिलकर काम कर रहे हैं बेशक जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आप शेयर भी इक्वली कर रहे हो आपका जो बिजनेस है उसमें आप सबके एसेट्स लाइबिलिटीज भी मिलकर लगे हुए हों बट आपको पार्टनरशिप का स्टेटस नहीं मिल सकता आपको पार्टनरशिप नाम नहीं मिल सकता वाई बिकॉज यू ऑल बिकम दैट बिजनेस बाय द स्टेटस अगर आप अलग अलग फैमिलीज में पैदा हो जाते तो शायद आप उस बिजनेस में नहीं आते

और आपका बिजनेस अगर इकट्ठा ही डूबते तो सब उसको फेस करते हैं दे, you know, होती है। है। में ऐसा नहीं होता हिंदू लॉ और पार्टनरशिप के बिजनेस को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी राइट जो आपका एक केस भी बहुत फेमस रहा है दैट वाज सन्यासी चरण वर्सेस कृष्णधार और इसमें क्या था इसमें बोला गया था दैट हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस मींस एंसेस्ट्रल बिजनेस जो एंसेस्ट्रल एंसेस्टर uh, से आपके पास आया है बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट दैट दे दे कैन कैन नॉट बिकम पार्टनर पार्टनर्स ओके स्टार्ट बिजनेस एज अ पार्टनरशिप उसके लिए दे हैव टू एंटर एग्रीमेंट इसलिए बच्चे एग्रीमेंट का रोल इतना ज्यादा होता है इसलिए मैंने इस पर एक सेपरेट सेशन लिया है सिग्निफिकेंस विग्निफिकट है पार्टनरशिप बिजनेस

वो अपनी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस को तीन जनों के नाम दे जाता है कि ए बी सी मेरी ऑन प्रोसीड करेंगे और मैं इनको डोनेट करके जा रहा हूं। ये इसके इसके लेगेटर्स हैं ठीक है है बच्चे तो अब इसके बाद क्या होता है? ये पर्सन इस पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो ए बी सी आते हैं अपना अपना शेयर लेके चले जाते हैं तो आप कह रहे हो ए बी सी यहाँ पार्टनर्स है कैसे पार्टनर्स है नॉट एट ऑल दे वर नॉट इवन रेडी टू स्टार्ट दैट बिजनेस टूगेदर बट अगर इसी केस में बाई चांस इस पर्सन की डेथ होने के बाद वर्क टूगेदर एंड कैरी ऑन बिजनेस और इस बिजनेस को वो तीनों मिलकर ये तीनों पर्सन आपस में एक दूसरे को जानते हो ना जानते हो दे मैटर नहीं करता इन्होंने कहा मिलकर इस बिजनेस को आगे प्रोसीड करते हैं इसमें तीनों मेहनत करते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्वली शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दे एग्रीड फॉर मेकिंग इट एज अ पार्टनरशिप बिजनेस और वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं राइट तो ऑब्वियसली ये डोनेट होकर इनको आया बट डोनेशन के बाद इन्होंने एज अ पार्टनरशिप इसको कैरी ऑन किया ये अपना अपना शेयर लेकर भी जा सकते थे सो so इस केस में यही डिसाइड हुआ दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर और व्हेन इनहेरिटेंस उनके पास आई अगर वो उस पार्टनरशिप को कॉन्टिन्यू करते हैं उस बिजनेस को सॉरी कॉन्टिन्यू करते हैं डिवाइड नहीं करते देन उनको पार्टनरशिप बनाने से कोई नहीं रोक सकता वो पार्टनर्स भी बन के रह सकते हैं ओके नेक्स्ट वॉज योर मुरलीधर वर्सेज सी आई टी एम पी इसमें क्या बोला गया था इट वॉज हेल्ड इज नथिंग इन लॉ टू प्रोहिबिट अ अ फैमिली फ्रॉम फॉर्मिंग पार्टनरशिप मैंने यही बताया ना हिंदू फैमिली बिजनेस को पार्टनरशिप बना सकती है उनको कोई इस चीज से रोक नहीं सकता मोर ओवर ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू एनी वन पार्टनर भी वो दे सकते हैं किसी एक पार्टनर को ज्यादा कंट्रोलिंग पावर दे सकते हैं एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि ये हमारा जो पार्टनर होगा मैनेजमेंट करेगा और ये भी जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ सपोज कीजिए आपने अपनी पार्टनरशिप को अभी एक साल हुआ और अभी रजिस्टर नहीं करवाया है और कोर्ट में कोई बोल देता है दैट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस नहीं इट इज मेयर जस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन होना आपकी बिजनेस को पार्टनरशिप होने से मना नहीं कर सकते हैं ओके okay? रजिस्ट्रेशन हो ना हो बट योर फैमिली बिजनेस कैन टर्न इन टू पार्टनरशिप इफ यू एग्री टूवर्ड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस पार्टनरशिप ठीक है बच्चे एंड पार्टनरशिप एक और चीज पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है बच्चे इट इज नॉट अ लीगल पर्सन लीगल पर्सन नहीं होती है ओके okay? ये एक सेपरेट लीगल फॉर्म नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप को उसके पार्टनर्स ही कैरी करते हैं और वो अपने नाम पर ही कैरी करते हैं पार्टनर्स खुद डील करते हैं लाइबिलिटी जो आ जाएगी तो वो पार्टनर्स को पे करनी है प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स का होता है सो पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल फॉर्म ओके इफ अ मैनेजर या मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर वो एक पार्टनरशिप के साथ एंटर कर लेता है विद अदर स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स मैंने आपको ये भी बताया था को ले आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर्स एग्जिस्ट नहीं करते पार्टनरशिप अगर आप चला रहे हो तो आप स्ट्रेंजर्स को ला सकते हो बट अगर जस्ट आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है फिर आप स्ट्रेंजर्स को नहीं ला सकते राइट right, बच्चे अब आ जाती है बात एक सेक्शन थ्री की जब सेक्शन फाइव है सेक्शन थ्री इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही क्या कहता है दैट

कंसर्न जो भी होगा एक्टिंग फॉर ऑल राइट सो विद दिस दिस एसेंशियल एग्रीमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि एक्चुअली में एग्रीमेंट होता क्या है और एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों नेसेसरी है ओके सो विद दिस द सेशन इज ओवर स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट एसेंशियल दैट इज व्हाट इज द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप टिल देन कीप एंजॉयिंग हैव अ नाइस डे